ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज गुप्त नवरात्रि जो हैं वो लग गई हैं और इसी उपलक्ष में आज आपको दूंगा एक ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि कुछ ही क्षणों में आपका जो कार्य है उसको सफल कर देगा। बहुत सी क्वेरी आती हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कि पूछा जाता है कि गुरु जी कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो कि पहली ही बार में हमारा काम बना दे। तो जो अभी पावन बेला चली हुई है इसमें किसी भी तरह का तंत्र किया हुआ खाली नहीं जाएगा। इसको एक बार जो है आप कर दीजिए तो सामने वाला जो भी होगा वो आपसे वशीभूत हो जाएगा। उसमें सोचने समझने की जो क्षमता है वो आपके प्रति बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बस वो बिना कुछ सोचे आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये इतना प्रभावी मंत्र है कि लाखों वर्षों से इसको छुपाया गया था। आम जनता से इसको कोसों दूर कर दिया गया था क्योंकि इसका दुरुपयोग संभव था, इसलिए इसका कभी भी पब्लिक डोमेन में जिक्र नहीं किया गया। लेकिन आज अथक प्रयासों के बाद मैं आप सबको वो मंत्र दूंगा जिसने कि चमत्कार कर दिए हैं। अब तक जिसने भी इसका प्रयोग किया है इसका फल पाया है और ये इतना सटीक लगता है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। अभी जो समय चल रहा है वो है नवरात्र का, तो इसमें यदि आप इस मंत्र को करते हैं तो इसके सर्वाधिक आपको असर देखने को मिलेंगे। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन मंत्र मैं कहूँगा। और इस मंत्र को करने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ जो हैं वो रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो नवरात्र का जो है, नवरात्र के दिन चल रहे हैं तो वैष्णव धर्म का आपको पालन करना होगा, बिल्कुल सात्विक रहना होगा। लहसुन प्याज तक आपको नहीं खानी है, इन सब का त्याग करके आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र है, इस मंत्र की एक विशेष बात यह है कि यदि इसे किसी भी स्त्री पुरुष पर कर दिया जाए तो वो उसी क्षण आपके अधीन हो जाता है। इसे दोनों कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। और ये इतना सटीक लगता है कि देखते ही देखते आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो कि कुछ ही क्षणों में काम कर जाए, एक ही बार में काम करने वाला कोई मंत्र दीजिए, तो वो ये मंत्र है। सात्विक रहिए, अपने विचारों को सात्विक कीजिए, बिल्कुल शुद्ध रहिए। नहा धोकर आपको इस मंत्र का गुंफन करना है 108 की संख्या में। मंत्र बहुत ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। और इसकी जो सावधानियां है वो है आपको किसी भी तरह का मादक पदार्थ जो है वो उसका सेवन नहीं करना है। सात्विक रहकर इन 8 दिनों में इसका जाप कीजिएगा। इस मंत्र की विधियां कुछ ऐसी हैं जो कि सात्विक रहकर ही की जा सकती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हम तो अंडे खाते हैं, मीट नहीं खाते, तो क्या हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक इस मंत्र में आप शुद्धता नहीं लेकर आएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। एकाग्रचित होकर बिल्कुल शांत मन के साथ इस मंत्र का जाप करना होता है और इसके बाद जो है चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। क्रिया बड़ी ही सरल है। आपको क्या करना है कि एक क्लिटोरिया नाम का फूल होता है, कई रंगों में आता है, तो उस
फूल को जो है अर्जित कर लीजिए। इस फूल का नाम अपराजिता भी है। अपराजिता फूल जो होता है वो आपको अर्जित कर लेना है। बहुत सारे रंगों में आता है लेकिन आपको नीले रंग में लेना है। इसको कबूतर की पंख भी कहा जाता है कई जगहों पर। इस फूल को आप अर्जित कर लीजिए। अगर नहीं पता लग रहा कि कौन सा फूल है तो मैं आपको उसकी फोटो दे दूंगा। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो है वो फूल मिल जाएगा। आपको वीडियो जो है वो अंत में मिलेगी। आप वहां पर जाकर उस फूल की वीडियो देख सकते हैं कि कैसा होता है। अब आपको करना क्या है कि चाहे तो 11 दिन या 21 दिन या 41 दिन, इतने दिन तक आपको एक फूल लेना है। उस एक फूल पर इस मंत्र को अभिमंत्रित कर देना है। इस मंत्र को अभिमंत्रित करने के बाद उस फूल को जो है आप एक निश्चित स्थान पर रख दीजिए। जब भी आपको 108 बार जाप करना हो उसको वहाँ से निकालिए और उसके बाद जाप शुरू कर दीजिए। 8-9 दिन में ये मुरझा जाएगा बिल्कुल ही, और जब बिल्कुल सूख जाए तो इसका पाउडर बना लीजिए। और जो भी साध्य है उस पर 7 बार मंत्र बोल के आखिरी में जो भी आपका विश हो वो बोलकर आप थोड़ा सा जो है उसका पाउडर जो है वो उनके सिर पर डाल दें। ऐसा करने से चाहे कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। मैंने इस मंत्र से चमत्कार होते हुए देखे हैं। जहां सालों से बातें बंद थी वहां पर बातें शुरू हो गई हैं। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही सटीक लगने वाला मंत्र है जो कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। कभी भी इस मंत्र का प्रयोग किसी का अनिष्ट करने के लिए ना करें। ये मंत्र मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो है इसका सदुपयोग कर सकें। यदि घर टूट रहा हो तो आप इसका प्रयोग करें। यदि पत्नी जो है वो कहीं गैर, मतलब किसी दूसरे पुरुष के साथ जा रही हो तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। पति जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर कि एक इथिकल यूज़ है ना इसका, जहाँ पर कि इथिकली आप इसको यूज़ कर सके वहाँ पर इसको जो है प्रयोग कीजिएगा। कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए, किसी को हानि पहुँचाने के लिए इसका प्रयोग ना कीजिएगा। क्योंकि ये जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, ये जन कल्याण के लिए बनाए गए थे। लेकिन कुछ मंदबुद्धि, कुछ कपटी लोग जो हैं वो इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को शिक्षित करूं मोहिनी विद्या के बारे में। लेकिन कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो उन साधकों को देख रहा हूं जो कि आगे चलकर तंत्र को बढ़ाएंगे, मुझसे भी ज़्यादा रिसर्च करेंगे और इस विद्या को जो है जीवित रखेंगे। तो आइए मंत्र जान लेते हैं। मंत्र है ओम क्लीम त्रीम ह्रीम अमुकी अमुक, जो भी साध्य है उसका नाम यहां पर लेना है, वशमनाय स्वाहा। एक्चुअली क्या होता है कि जब जहां पर भी स्वाहा लगता है वहां पर हम आहुतियां देते हैं स्वाहा को, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको जाप करना है। आपको इस मंत्र का 108 की संख्या में 8 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितना यथासंभव आप कर सके उतना कीजिएगा, इसका जाप करना है। मंत्र एक बार फिर से बता देता हूं। ओम क्लीम त्रीम ह्रीम अमुकी अमुक वशमनाय स्वाहा। तो जहां पर अमुकी अमुक आया है वहां पर आप अपने साध्य का नाम ले सकते हैं। और इसके बाद जो है जितना मैंने बताया उतने दिन करके इसका जो पाउडर बन जाएगा सूखे फूल का वो
अपने साध्य के सिर पर डाल दीजिएगा। हिंदू धर्म में जो है फूलों की अपनी ही एक महत्ता है। अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं वो काम में लिए जाते हैं। और ये जो अपराजिता है, जो क्लिटोरिया है, इसकी अपनी एक कहानी है। इसके इतने प्रयोग हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊं। उनमें से एक प्रयोग ये मोहिनी मंत्र भी है, जो कि सटीक काम करता है। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ दिक्कत हो या फिर कोई और समस्या हो, तो आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।